नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन डाले हैं, और ताकि एक वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो और होगा उसमें और क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन, और भी जैसे मुझे उचित लगेगा उस हिसाब से क्वेश्चन अपलोड लगातार किए जाएंगे। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन हैं, जो रिसर्च अनुसंधान की जो यूनिट है उसमें से हर टॉपिक को सम्मिलित करते हुए बनाए गए हैं। आपको मुझे फाइनली ये बताना है कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे। जितने आपके क्वेश्चन राइट होते हैं, मेरे क्वेश्चन बोलने के साथ साथ अगर उनका आंसर क्लिक हो रहा है आपके, तो मान लीजिए वो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। आपको ऑप्शन में मुझे बताना है नीचे लिख के कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इससे पहले भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 3 वीडियो अब तक अपलोड हो चुके हैं, बाकी जो मैटर है, यूनिट है, उनके लगातार अपलोड हो ही रहे हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक अनुसंधान की विश्वसनीयता तथा वैधता उस समय खतरे में पड़ जाएगी जब शोधकर्ता स्वयं भी निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त योग्यता न रखता हो, घटना को घटित होने के लंबे समय के अंतराल के बाद सुरक्षित किया गया हो, लेखक जो कि सूचना का स्रोत है वह पक्षपाती, अयोग्य तथा बेईमान हो, और डी है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये बिल्कुल सारे, ये जो ऑप्शन है सभी सही हैं। एक अनुसंधान की विश्वसनीयता तथा वैधता उस समय खतरे में पड़ जाएगी जब, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शोधकर्ता केवल 10 सदस्यों को 50,000 की कुल जनसंख्या में से चुनता है और इसे ठीक समझता है क्योंकि, एक शोधकर्ता केवल 10 सदस्यों को 50,000 की कुल जनसंख्या में से चुनता है और इसे ठीक समझता है क्योंकि उसे अपने सुपरवाइजर द्वारा सलाह दी गई है, वह एक अच्छा शोधकर्ता है और जनसंख्या समगुणीय थी, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ना पहला होगा, ना दूसरा होगा और ना डी होगा। क्या थी? जनसंख्या समगुणीय थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुसंधान की गुणवत्ता की जांच की जाती है अनुसंधान की गहराइयों से, अनुसंधानकर्ता के अनुभव से, अनुसंधान में प्रयुक्त प्रविधि से, अनुसंधान की उपयुक्तता से। तो देखिएगा, सोचिए इसका क्या होगा राइट आंसर। अनुसंधान में प्रयुक्त प्रविधि से। देखिए, जो क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत सी संभावनाएं हैं कि क्वेश्चन आएंगे तो इनसे मिलते जुलते, या जो मेन जो सेंस है वो यही रहता है हर टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 4, अनुसंधान के उद्देश्य लिखे जा सकते हैं केवल क्वेश्चन के रूप में, केवल कथन के रूप में, क्वेश्चन और कथन दोनों ही रूपों में, और संभावना के रूप में। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए, केवल क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी भी विषय में सिद्धांत और संबंधित अनुसंधान परिणाम, अब आगे ऑप्शन है, अधिकतर एक दूसरे के विरोधी होने चाहिए, एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित हो यह जरूरी नहीं, और एक दूसरे के क्षतिपूरक होने चाहिए। राइट आंसर इज बी, एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। क्या चीज? जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल है, और संबंधित अनुसंधान परिणाम, और जो उस अनुसंधान का रिजल्ट रह रहा है, दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक महाविद्यालय अपने शोधार्थियों को सामाजिक विज्ञानों के लिए सांख्यिकीय पैकेज की प्रयोग विधि में प्रशिक्षित करना चाहता है, इसके लिए उसे आयोजित करना चाहिए।
एक महाविद्यालय अपने शोधार्थियों को सामाजिक विज्ञानों के लिए सांख्यिकी के पैकेज की प्रयोग विधि में प्रशिक्षित करना चाहता है, क्या आयोजित करना चाहिए? सम्मेलन, कार्यशाला, लेक्चर और संगोष्ठी। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी, कार्यशाला। जो मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के जो 5 चैप्टर यहाँ अपलोड किए हैं, उनके अंदर इन हर चीज़ को डिटेल में समझाया गया है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले उन सभी चैप्टर को अच्छे से देखिए, समझे, उसके बाद में इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। 7वां क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक अनुसंधानों में स्वतंत्र विचलनों का दूसरा नाम है। प्रयोगात्मक अनुसंधानों में स्वतंत्र विचलनों, विचलन होता है फैक्ट, स्वतंत्र यानी जो पहली बार हम फैक्ट कर रहे हैं, पहली बार फैक्ट ले रहे हैं। ए, प्रयोगात्मक विचलन। बी है ट्रीटमेंट विचलन। सी है मैनिपुलेट वेरिएबल। और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी ही बार नेट के फर्स्ट पेपर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन और सेम ऑप्शन, ये सारे ही इसके राइट आंसर हैं। इसी के ही स्वतंत्र विचलनों के ही दूसरे नाम हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8, शोध सदैव है पूर्व ज्ञान का सत्यापन, नूतन ज्ञान की गवेषणा, ज्ञान के अंतराल की पूर्ति और उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका होगा डी, उपरोक्त सभी। तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे कहा जाता है, नियंत्रित, परिचालन और प्रतिकृति, संदर्भ एकत्रण और अवलोकन। प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है, तो देखिए नियंत्रण होना भी आवश्यक है, परिचालन और प्रतिकृति, संदर्भ एकत्रण, ये सब चीज़ें आवश्यक है। डी, अवलोकन, यह आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक रिसर्च जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के समस्याएं के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियमों को लागू करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एक रिसर्च जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियमों को लागू करते हैं, उसे कहा जाता है प्रयोगात्मक शोध, व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका होगा सी, क्रियात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। ए, अनुसंधान में रुचि, संबंधित विषय में रुचि, अनुसंधान करने का अनुभव और अनुसंधान की विधियों का ज्ञान। देखिए वैसे देखा जाए तो ये लगभग सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमें इनमें से वो आंसर चुनना है जो सबसे बेहतर है। अनुसंधान में रुचि, जिसकी रुचि होगी उसे ही अनुसंधान करना चाहिए, उसे ही रिसर्च करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता निर्भर करती है वस्तुनिष्ठता पर, वैधता पर, मौलिकता पर और उपयुक्त सभी, यानी मौलिकता, वैधता और वस्तुनिष्ठता, ये सभी होने चाहिए। ये सारे आंसर इसके राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण हैं। ए, प्रायोगिक। बी, अनुभव आश्रित, सैद्धांतिक और उपयुक्त सभी। तो वैज्ञानिक अनुसंधान जो है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्या होता है वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण क्या होंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान में होता है ए, प्रायोगिक, प्रैक्टिकली चीज़ को जो करके देखा जाता है वैज्ञानिक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिस अध्ययन में अनुसंधानकर्ता प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है उसे क्या कहा जाता है? जिस अध्ययन में अनुसंधानकर्ता प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है उसे कहते हैं एक्सपोस्ट फैक्टो अनुसंधान, सर्वेक्षण अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और समेकित अनुसंधान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 15 है,
अनुसंधान समस्या तभी साध्य होती है जब वह अनुसंधनीय होती है, वह उपयोगी और प्रासंगिक होती है, वह नई है तथा ज्ञान में वृद्धि करती है और उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? अनुसंधान समस्या कब साध्य होगी? जब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अनुसंधनीय होनी चाहिए, उपयोगी और प्रासंगिक होनी चाहिए, नई हो और ज्ञान में वृद्धि करने वाली हो। क्वेश्चन नंबर 16, अनुसंधानकर्ता की रिपोर्ट में ग्रंथ सूची क्या करती है? ये जो भावी अनुसंधान में दिलचस्पी रखते हैं उनकी सहायता करती है। अनुसंधान के लिए उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। शोधार्थी के व्यापक ज्ञान को दर्शाती है और उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका होगा ए, जो भावी अनुसंधान में दिलचस्पी रखते हैं उनकी सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि नहीं है? सर्वेक्षण, ऐतिहासिक, दार्शनिक और अवलोकन। राइट आंसर इसका होगा डी, अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 18 है, शोध का प्रथम सोपान है समस्या को ढूंढना, समस्या का पता लगाना, समस्या की पहचान और समस्या का चयन। तो अब जानते हैं इसका क्या होगा, समस्या का चयन। शोध वह व्यक्ति कर सकता है जिसमें सोचने की और तर्क की क्षमता हो, जिसने शोध विधि पढ़ी हो, जिसके पास एमए की उपाधि हो, मास्टर डिग्री हो और जो मेहनती हो या परिश्रमी हो। तो देखिए, वैसे देखने में सभी ऑप्शन लुभावने लग रहे हैं, जो मेहनती हो यानी परिश्रमी हो, मास्टर डिग्री किया हो, सब बातें सही है, शोध विधि पढ़ी हो ये भी सही है, लेकिन सबसे बेहतर आंसर हमें इनमें चूज करना है, जिसमें सोचने की और तर्क करने की क्षमता हो वही शोध कार्य व्यक्ति को, उसे ही, उस व्यक्ति को ही, उस विद्यार्थी को ही शोध कार्य करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विचलन समस्या का स्रोत है, चर से ही मतलब है इसका, फैक्ट से। शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए। शोध के उद्देश्यों को शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में लिखते हैं। और डी है, उपयुक्त सभी। तो कौन सा कथन सही है? विचलन समस्या का स्रोत है, सोर्स है। विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए। उद्देश्यों को शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में लिखते हैं। और राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में 20 में से आपको कितने क्वेश्चन आए, कितने आप कर पाए, वो आप ज़रूर बताइएगा। एक साथ लिखिएगा कि कितने सही हुए हैं। 20 में से 12 सही हुए हैं, 13 सही हुए हैं, 15 सही हुए हैं, 10 सही हुए हैं, 8 सही हुए हैं, 5 सही हुए हैं, चाहे 2 सही हों। 60% क्वेश्चन जिनके सही हैं, 20 में से जो 12 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या उससे ऊपर, वो अच्छी स्थिति में है और उनकी जो तैयारी है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। 12 से जिनके 10 सही हैं, वो और अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करें। जिनके 8 से कम सही हैं, 7-8 से कम सही हैं, वो इस चीज़ को और गहराई से समझें। जितनी बार आप पढ़ें, क्योंकि फैक्ट यही है, मैटर यही है, क्वेश्चन यही है, बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है इसमें, ना ही बहुत ज़्यादा मैटर है। एक ही चीज़ को जब आप बार बार पढ़ेंगे तो उसमें से जो एक सामान्य समझ है वो हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी। तो बताइएगा कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जैसे जैसे मुझे लगेगा समयानुसार मैं अपलोड कर दूंगा, और आपने अपने स्तर पर भी लगातार मेहनत करते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम 80% तक जो मार्क्स हैं या उससे ऊपर हम इसमें हासिल कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।